गाइस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर इंडिया की करेंसी को वर्ल्ड के 4 रैंकिंग में शामिल कर लिया गया। जी हाँ गाइस, अगर कोई भी इंडियन किसी भी कंट्री के अंदर विजिट करने जाता है तो किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इंडिया की करेंसी को लीगली करार दिया गया है कि आप इंडिया की करेंसी के ऊपर एक्सचेंज करवा कर इंडिया की करेंसी ले सकते हैं और इंडिया की करेंसी से बाय एंड सेलिंग और परचेजिंग भी कर सकते हैं किसी भी किस्म की चीज़ों को। गाइस एक तरफ हम देखते हैं करेंसी को 18 मुल्क के अंदर ट्रेड करवाई जा रही है, गाइस इंडिया की करेंसी के अंदर 18 मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया की करेंसी ग्लोबल के अंदर दुनिया के अंदर अपना एक नाम बना रही है और पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो गाइस हमारी करेंसी डे बाय डे डीवैल्यू होती जा रही है। डॉलर की नस्बत और इंडियन रुपये के आगे हमारी करेंसी घुटने टेकते हुए नज़र आ रही है, गिरती हुई नज़र आ रही है। इन सब सवाल के द्वारा रुपये की कीमत कहाँ जा रही है, कारोबार कैसा चल रहा है? बेसिकली ये कि तकरीबन को डेढ़ से एक साल में जो डॉलर की कीमत जो एकदम जंप किया, आई थिंक सो 182 to 286, ठीक है 288, अब आलमोस्ट आजकल जो है 270 के नियरेस्ट है, ठीक है। तो इससे ये कि कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अभी 2 दिन पहले जो 10 रुपये का पेट्रोल और महंगा हुआ है उससे कारोबार में हर जगह से एक्स्ट्रा का आ चुका है, ठीक है। मेरा अब नीचे गारमेंट्स का काम है, जो कस्टमर पहले 5 या 4 रुपये ख़रीदता था, ठीक है, अब वो 1 या 2 रुपये लेने पर मजबूर हो चुका है क्योंकि उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं कि वो अपने पैसे को यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है, इतनी सख्त नहीं है इंसान में, ठीक है, जिसकी वजह से अब आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो कारोबारी हालात होते हैं उस मुताबिक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, गुजरते दिन के साथ साथ कारोबारी में मंदा आ रहा है, ठीक है, कारोबार में स्लो आ रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा। एज़ कंपैरिजन आपके जो नेबर्स हैं वो तरक्की कर रहे हैं, लाइक बांग्लादेश, लाइक इंडिया, ठीक है, आप देखें वो कहाँ पर आज और पाकिस्तान कहाँ पर है। तो जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इकोनॉमी पे फोकस करें। आपको एक बड़ी न्यूज़ दूँ, बहुत बड़ी न्यूज़ देता हूँ आपको एक, अभी जो करेंसी है ना वर्ल्ड की 4th करेंसी में से, आप किसी भी ट्रैवल करेंगे किसी भी बड़े इंटरनेशनल में एयरपोर्ट पर विजिट करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे इंडिया की करेंसी भी 4 करेंसीज के अंदर ऐड कर दी गई है, शुमार कर दी गई है एयरपोर्ट्स के अंदर। आप ये देखिए यार, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें सारी उम्र ये पढ़ाया गया कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, और अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया, आओ जंग करते हैं, लेकिन जंग किस चीज़ की करनी है कि पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है, डैट इज़ अ गुड इफेक्ट फॉर अस, कि देखिए पहले गुर्बत कौन ख़त्म करता है। आपने अभी कहा कि कहते हैं उनकी करेंसी को वहाँ पर इशू किया एयरपोर्ट्स पर, तो 18 ममालिक में उनका तजारती मामला इंडिया करेंसी में किया जाएगा, ठीक है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है मर्सिडीज़ उन्होंने अभी रिसेंटली बनाई, ठीक है, मर्सिडीज़ बनाई जो कि ऑलमोस्ट 850 to 900 किलोमीटर चलेगा एक चार्ज पे, ठीक है। एप्पल वहाँ पे जा चुका, तमाम जो आईटी के जो बेसिक जो वहाँ पे दफ्तर है वहाँ पे जा चुके, तो पाकिस्तान कहाँ पे घर है। अब पाकिस्तान में बहुत कुछ है, लोग कहते हैं पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, टैलेंट यहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। अक्सर मैं जब इस तरह के हमारे पाकिस्तानी पब्लिक बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ये वीडियो सरहद के पार भी देखी जाती है, वो कहते हैं मुझसे सवाल करते हैं कि अगर इतना टैलेंट है तो फिर टैलेंट आगे क्यों नहीं आ रहा, बढ़कर हमें दिखाया क्यों नहीं जाता। वो कहते हैं कि हमारे पास इंडिया में टैलेंट है, नज़र आता है मुकेश अंबानी, रतन टाटा, वो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आपकी पाकिस्तानी पब्लिक हमेशा ब्लेम्स करती है कि गवर्नमेंट करेगी तो हम करेंगे, गवर्नमेंट ये करे वो करे, तो आप भी कुछ करो ना। वो कहते हैं टैलेंट है तो टैलेंट को, वो कहते हैं कि टैलेंट पानी की तरह होता है, अपना रास्ता खुद बनाता है, वो सही कह रहे हैं या नहीं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक टैलेंटेड बच्चा है, ठीक है, उसके ऊपर टैलेंट है, लेकिन टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं है। अब मेरी बात सुने, ठीक है, टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत कुछ फंड दे। अब देखिए मिसाल के तौर पे मेरे पास बोलने का तरीका है, मुझे बोलना आता है लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, मैं चार डालूंगा अपने बोलने का, फिर मैं उस मुल्क में जाऊँगा जहाँ पर मेरी कदर होगी। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी जा चुके हैं, 7 लाख कोई आम एक अमाउंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन 7 लाख में कौन लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं? अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक डॉक्टर है उसके यहाँ पे वो उसको यहाँ पे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो वहाँ दी जाएगी, डेफिनेटली वो मूव करेगा अपना अच्छा सिक्योर वहाँ करेगा, अपना जो कहते हैं उसका फ्यूचर है सिक्योर करने के लिए वो मूव करेगा। अब वो रशिया हो, अमेरिका हो, नेपाल हो, वट एवर, इवन डेट इंडिया क्यों ना हो। अब देखो मेरा काम नीचे गारमेंट्स का, ठीक है, इंडस्ट्री का मेरा काम है, पाकिस्तान का घर है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ 1971 में, आज सारा वहाँ पे बिजनेस है,
सारा कारोबार वहाँ हो रहा है। यार हमारा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन अर्ज़ करना ये चाहूँगा जो हमारे लीडर्स हैं कि बराए मेहरबानी कॉपरेट करें, जो टैलेंटेड पर्सन है उनका कॉपरेट करें। ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, आपके पास ही है। देखिए हम कितने साथ जी लेंगे, हमारी नस्लों के लिए कम से कम अच्छा करें, ठीक है। तो आए दिन यहाँ पे चोरी हो रही है, आप देखें ना, जब पैसा जेब में नहीं होगा लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे। पेट तो पालना है ना, लोग मरे हुए हैं, वो कहते हैं चलो मरना है ना, कुछ करके मर जाएं। तो देखो ना, आपका काम है उनको प्रोवाइड करना। ना शर्म आती है जब इंडिया के लोग उठकर ये बोलते हैं कि भाई तुम तो भिखारी लोग हो, तुम तो हमसे हमारी ही नस्ल में से हो, लेकिन तुमने अलग एक रास्ता चुन लिया है। बाहर से तुम कर्जा लेके, जब तुम्हारा कर्जा आता तुम अल्हम्दुलिल्लाह कह के ट्वीट करते हो, तुम्हारे पे ये हालात आ गए हैं। सर अगर कोई मैं कर्जा लूँ किसी से तो मैं शर्म से उस महल्ले से नहीं गुजरूंगा। तो यहाँ पर जब कर्जा मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, हमारे पॉलिटिशियन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अच्छा मैं इसको ना एक बहुत ही मुख्तसर आपको कहते हैं एक चीज़ में मैं इसको समेटूँगा, वो ये कि बहुत ही बुरी बात है जब हम कहते हैं किसी जगह जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है, बहुत बुरी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें कर्ज़ा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि आपका कर्ज़ा विद इन सेकेंड में उतार सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं उतारते? देखो ना बात सुनो, हमारे यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जो कर्ज़ा आपको उतार देंगे, लेकिन उनको आगे से नज़र कुछ नहीं आता। अब देखें ना, बहुत सारे मुल्क भी हैं जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने कमीशन के चक्कर में वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और एक रिक्वेस्ट है, देखें दुनिया में आप आए हैं पाकिस्तान में, कितने साल जी लेंगे? क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी को 10 साल होने वाले हैं, क्या वो बंदा अपने मुल्क के साथ लॉयल है? अच्छा अब मेरी बात सुने, ठीक है। अब जब वो नरेंद्र मोदी आया तो हमने क्या कहा, यार वो ये है, वो ये चाय वाला, वॉट एवर, हम ये कहते रहे, ठीक है, और वो चाय वाला हमसे बेहतर हो गया। देखिए हमने कंपैरिजन करना है, हमने कंपैरिजन करना है कि वो वहाँ कर, देखो बातें करने से काम नहीं होता, ठीक है, अमल करना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है। वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, 10 साल हो चुके हैं, वो कहाँ तरक्की कर चुका है। 2030 में इंडिया इतनी बना चुकेगा इलेक्ट्रिसिटी की, कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा कि उसको ऑयल के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। भाई अभी से उनकी गवर्नमेंट काम कर रही है, टोटल जितने भी व्हीकल आप बताएं मुझे कि व्हीकल जो भी इलेक्ट्रिक चलने वाले व्हीकल खरीदेगा उसको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। उसे कह रही है कि अगर ये 50 लाख की आप लो इलेक्ट्रिक लो, उस पर हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। बताएं ज़रा इस पर, अब उनका विजन देखें ना, विजन देखें, बड़ी सोच चेक करें आप। ये हमने बिल्कुल बजा फरमाया कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत में सपोर्ट नहीं करती। हाँ हमारी हुकूमत क्या करेगी, ठीक है, हम कोई काम करवाने के किसी भी सरकारी दफ्तर में, अच्छा मेरा कमीशन वो तो मुंह से मांग रहे हैं। अच्छा वो कमीशन ऐसे मांग रहे हैं जैसे उन्हें ज़िंदगी में रहना ही नहीं है, ठीक है। यार अपने बच्चों का फ्यूचर सोचो। देखो मेरी इज्जत मेरे मुल्क में है, मैं अगर किसी दुबई में जाऊँगा, मैं किसी मुल्क में जो मेरी इज्जत वहाँ पर नहीं है, लोग पूछेंगे कहाँ से, पाकिस्तान से, वो भिखारी। देखिए हमारी इज्जत हमारे मुल्क से है, हमें शर्म आती है जब हम ये कहते हैं कि यार हमारा हमसाया मुल्क आगे बढ़ गया, ठीक है। देखिए हमारा मुल्क है, इतने इतने इसमें नूर है, इतने हीरे हैं, उसको यूटिलाइज करें, उसको तराशें, ना कि उसको फेंके ज़ाया किया जाए। बहुत ज़बरदस्त यार। गाइस आप लोगों ने जानी एक पाकिस्तानी पढ़े लिखे एंड एजुकेटेड पर्सन की राय, आपको कैसी लगी ये राय अपनी इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। अब्बास सर क्या करते हैं? मैं डिज़ाइनर। ज़बरदस्त हो गया सर, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लग रहे हैं आप, तो बताइएगा मौजूदा सिनेरियोस के अंदर पाकिस्तान की करेंसी के क्या वैल्यूज़ हैं, वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें या पाकिस्तान के अंदर की बात करें, हमारी करेंसी वैल्यू में जा रही है या डी वैल्यू में जा रही है? डी वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा, आप देखें ना कहाँ चली गई, आपकी परफॉर्मेंस देखें ज़ीरो है, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, आपका रुपये की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है। मुकाबला कर सकते हैं किसी मुल्क का? किसी से क्या, आप इंडिया से क्यों कंपेयर, किसी भी से भी कंपेयर कर लें, अफगानिस्तान। मैंने कहा किसी भी मुल्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं अपना। अफगानिस्तान को क्या रेट देते हो आप, उससे कंपेयर नहीं कर सकते अपनी करेंसी को, बाकी तो बड़ी दूर की बात। बांग्लादेश आज हमसे अलग होकर क्या सोच रहा होगा मैं इस सिचुएशन में देख। बांग्लादेश यार ये हुक्मरानों की नाहली है ना कि उसको अलग किया उन्होंने, उनके हुक्मरान पर अभी भी फिर भी बेहतर हैं, हम बेहतर हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से बेहतर कहाँ है देख लो आप, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके। हाँ जी तो फिर हम बेहतर कैसे हुए? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बांग्लादेश को स्ट्रॉन्ग करने के पीछे हमसायों का बहुत बड़ा हाथ है? यार किसी का भी नहीं, हमारी लीडरशिप ही ठीक नहीं है, हमसाये से हमसाये कुछ नहीं होते, जब आपकी लीडरशिप ज़ीरो होगी तो आप क्या करोगे? मुश्किल वक्त में एक अच्छा लीडर हर एक मुश्किल से अपनी कौम को निकाल लेता है,
क्या पाकिस्तान के पास कोई एक ऐसा लीडर है जो कि हम कह सकें कि वाकई में बहुत अच्छा है, ये मुल्क को पार करवाएगा? नहीं, आपको डूबते नहीं यार, लीडरों के अपने लल्ले तलल्ले ख़त्म होंगे तो कोई लीडर बनेगा ना। इनके तो अपने हेलीपैड पहले ठीक होते हैं, कौम के पास सिलेक्शन के पैसे नहीं होते। अभी नवाज शरीफ साहब ने अपना हेलीपैड ठीक करवाया है, पूछ लें उनसे मैं गलत कह रहा हूँ। फैक्ट्स एंड फिगर को ये झुठलाते हैं लोग, इससे आगे आगे और क्या हो सकता है। सर अभी एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैं बताता चलो, करेंसीज की वैल्यू निकाली गई, उसमें से इंडिया की करेंसी की वैल्यू फोर्थ नंबर पर आ गई, वर्ल्ड फोर्थ में उसकी वैल्यूएशन हुई है। डॉलर, यूरो और रियाल को पीछे छोड़ दिया, इंडिया की करेंसी आगे आ गई। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे ये सब कुछ होता है? एक मुल्क को हम कहते थे कि हम इंडिया से अलग ही इसलिए हुए थे ताकि डेवलप की तरफ जा सके, डेवलपमेंट की तरफ जा सके, क्या वजूहत? यार वजूहत देखें, ये हमारी लीडरशिप की ना अपनी एक लॉबीज़ हैं, ये उनके लिए काम करते हैं। अब ये नारा लगा के गए थे अपने, क्या कहते हैं, इसहाक डार साहब, अब देख लें वो उसको दोबारा बुला लिया। हमारी ब्यूरोक्रेसी और लीडरशिप का ये आलम है कि एक दूसरे की खाल उतारने वाले वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसी लीडरशिप के साथ क्या आप क्या एक्सेप्ट करोगे कि अपने 20 रुपये की इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे कि ये कम करेंगे? ये कह के गया था मैं जो हशर करके जा रहा हूँ, आप उसको देखें कि अब कौन माइका लाल है। अब ये खुद भी आया था माइका लाल, इसने क्या हशर कर दिए, लोगों के भी कपड़े उतारिए, कहता था मैं अपने कपड़े उतार दूंगा, इन्होंने लोगों के कपड़े उतार दिए, वैसे ही बस ढके हुए हैं लोग, वैसे नंगे ही हैं। आपको नहीं लगता कि अगर इसहाक डार साहब अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दे तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता? कुछ नहीं होने वाला, ये बाहर जो डॉलर लेके जाते हैं वो वापस ले आए, बड़ी मेहरबानी इन सबकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर नाम आपका? फरासत भट्ट। सर क्या करते हैं? मैं कारोबार करता हूँ। किस चीज़ का कारोबार? गाड़ियों के ना, इंटीरियर का मॉडिफिकेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली आज का आपसे मेरा बात करने का पर्पस ये है, अगर रुपए की वैल्यू देखी जाए तो एज कम्पेयर टू डॉलर रुपए की वैल्यू क्या चल रही है? रुपए की वैल्यू तो यार दिन ब दिन ऐसी चल रही है जैसे बहुत ही बुरे हालात हैं। कैसे कंपैरिजन करूं, बस वो कहते हैं ना कि हमारी तो दुआ ही है कि अल्लाह इस इमरान खान का खाना ख़राब करे जिसने इस नेज पे पहुंचाया पाकिस्तान को। इमरान खान ने पहुंचाया? जी बिल्कुल। इमरान खान ने कैसे पहुंचाया? जी मैं तकरीबन जब से कारोबार कर रहा हूं मैंने नहीं इस तरह के हालात देखे। एक बंदे को काम कर, हुकूमत ही इमरान खान की नहीं है ना सर? नहीं उनकी नहीं ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस तरह के वो पॉलिसीज दे गया ना उससे उसकी बेस पे ही ये सब कुछ हुआ। सर पॉलिसीज तो चेंज भी की जा सकती है? पॉलिसीज चेंज तो हो जाएंगी, लेकिन असल मकसद तो ये होता है ना कि वो कहते हैं ना कि इतना कुछ दबा गया हुआ कि उसको दोबारा फलने फूलने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो जिस तरह की पॉलिसी एक बंदे को जब जिस तरह हम मोटिवेट हुए थे उसकी तकरीरों से कि जी हम तो जंगी बुनियादों पर काम करेंगे। इमरान खान ने इस बेस पे हुकूमत ली थी ना कि हम जंगी बुनियादों पर 90 डेज प्लांटिंग ये वो, लेकिन जब हुकूमत आई तो ज़ीरो। वो खुद 2 बजे सुबह उठ के आता था हैं, तो उसने क्या काम करना था? हाँ काम करना था। उसकी गवर्नमेंट में कौन से ऐसे काम हुए हैं जंगी बुनियादों पे जो कहते थे 90 डेज, वो कहाँ गए? सर अगर देखा जाए तो अब बात अपने पड़ोसियों की कर लेते हैं, हमसाइयों की कर लेते हैं। सर आपने देखा होगा रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली फोर्थ रैंक में आई है इंडिया की करेंसी, डॉलर पाउंड रियाल को पीछे छोड़कर फोर्थ रैंकिंग के अंदर। क्या कहना चाहेंगे, एक तरफ हम हैं इंडिया से अलग इसलिए हुए ताकि डेवलपमेंट की तरफ जा सकें, ताकि तरक्की कर सकें। आज अगर हम देखें इंडिया को, एप्पल स्टोर इंडिया में, मर्सिडीज इंडिया में बन रही है, BMW इंडिया में बन रही है, हम क्या बना रहे हैं? गाड़ियों का काम करते हैं आप, गाड़ियों के हालात तो बताएं मुल्क के अंदर क्या चल रहा है? हम इस वक्त ना सिर्फ इमरान खान की तरह आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जैसे इमरान खान को लोगों को बेवकूफ़ बनाया इंतहाई दर्जे में, ठीक है। आर्मी वालों ने इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया, इमरान खान ने आर्मी को बेवकूफ़ बनाया, और कोई भी बेवकूफ़ नहीं, आवाम बेवकूफ़ बनी, ठीक है। 3.5 साल में हमें जिस तरह के ये गोल्डन ख्वाब और अभी भी दिखाए जा रहे हैं इमरान खान की सूरत में, देखें इस वक्त अवेयरनेस। एक सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, आप इमरान खान के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? मैं तो बदवा दे रहा हूँ कि अल्लाह उसका खाना ख़राब हो, बल्कि जिसने भी पाकिस्तान का
पाकिस्तान के लिए बुरा किया ना, अल्लाह वो उसका बेड़ा गर्क हो और उसका खाना ख़राब हो, लेकिन मेरी जहाँ तक एक नाकिस राय और इल्म है ना, उसके मुताबिक इसका सारा जिम्मेदार इमरान खान है। क्योंकि एक नलायक बंदे को जब किया जाएगा अपॉइंट, तो वो नलायकी ही करेगा। सर, आपके नज़रिए में लाइक कौन सा हुक्मरान है पाकिस्तान? लाइक हुक्मरान ये है कि एक दफ़ा चलने दिया जाए, जो भी आए उसको 5 साल चलने दिया जाए, ठीक है। 5 साल की पॉलिसी, 5 साल की गवर्नमेंट की बेस पे अगला बंदा वोट ले और पॉलिसी को, ये नहीं है वो उन्होंने एक तजर्बा किया और वो ख़राब तजर्बा था जो लेके आए, वो खुद ही मुंह के बल भी गिरे और जिसकी वजह से आप वो पशेमान भी हैं। सर, यहाँ पर हमारे हुक्मरान मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया, हमारे हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तरक्की के लिए क्या किया पाकिस्तान? देखिए, हमारे हुक्मरानों में हम ही एक चीज़ देखते हैं, अगर हम पढ़ी लिखी बात करें तो हम 2013 से 2018 की जो ग्रोथ रेट है उसको देख लें और 2018 के उसके बाद देख लें, वो बंदे को लेके आए हैं, अपॉइंट किया है या जो भी किया है, अगर हमसे बात हो 2013 से 18 तक की, वो तो मानी जा सकती है, उस पर तो मैं बात कर सकता हूँ। 2018 से 2023 तक तो क्या खाना ख़राब हुआ है? सर, आपने इंडिया को देखा? बिल्कुल इंडिया को देखा यार, इंडिया किधर भी तो बहुत आगे जा रही है, अभी तो देखे ना रिसेंटली पता चला जी 18 मुल्कों में वो अपनी वो करेंसी भी करने लगे, मुतारिफ करवा रहे हैं, लेकिन अपनी करेंसी के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा दिया उन्होंने। भाई बताएं जरा, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ करें? मोदी को यहाँ पर बुरा कहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन वो अपने मुल्क को कहाँ पर ले गया, हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है? सर, हम इंडिया से अलग क्यों हुए थे? इसीलिए हुए थे ना कि ज़्यादा तरक्की कर सके, क्या हमने कर ली तरक्की? देखिए, जब तरक्की कर रहे होते हैं तो रास्ते रोके जाते हैं इंटरनेशनल तौर पर। देखें, हमारा CPAC 2022 तक स्टार्ट हो जाना था, ये इस नलायकी की वजह से, ये हमारी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से 2022 अभी 23 आ गया। अगर हम देखें जब वो स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त ये था कि 2022 तक हमारी इकॉनमी CPAC और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो थे वो उसको हमने ऐसे स्टार्ट करना था, तो वो नहीं हो सके थे। क्यों था? इंटरनेशनल माफिया हमारी पीछे पड़ा हुआ है और जो हमें आगे निकलनी, अभी भी देखें ना कि IMF हमें दिन ब दिन कैसे वो स्टेप डाउन कर रहा है, हर पॉलिसी रोज़ नए से नए वो लेके आता है, नहीं पॉलिसी नहीं स्टिक कवानीन के, अभी एक शर्त पूरी करते हैं तो वो दूसरी शर्त ले आता है, दूसरी शर्त पूरी करते हैं तीसरी, हाँ। तो देखें ना, ये सारा कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है? तो फिर सर, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं या हम खुद उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हमें दो, तो वो तो मजबूरी है ना सर, जब वो आप मांगोगे तो उन्होंने तो अपनी शरायत रखनी रखनी है। अब आप मुझसे कोई चीज़ लेने आए हो, मैं तो आपको कहूँगा ना भाई पहले इस काबिल तो हो जाओ, वो इस काबिल बना रहा है, भाई आप मांगोगे तो उन्होंने तो शरायत रखनी रखनी, क्या ख्याल? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमारे वो मांगना चाहिए या नहीं? नहीं, एक मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि ना, पंजाबी की मिसाल है कि हमारे पॉलिटिक्स और कुछ हमारे ताकतवर जो पाकिस्तानी रियासत के इदारे हैं वो अपनी बोटी की खातिर पूरा बकरा हलाल कर रहे हैं, मिलनी उनको अपनी एक बोटी होती है, ठीक है, लेकिन वो पूरा बकरा हलाल कर देते हैं, वक्ती तौर पर वो उनकी गमड़ी भी चली जाती है, उनकी नौकरी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान उधर का उधर ही रहता है। तो ये मसला है कि जो अगर कभी सोच लें, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ ने, देखें साइंस और यहाँ जब दुनिया ने तरक्की की तो सबसे